हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और बहुत तरह के ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करती है, पर आपने कभी सोचा है कि सिलेक्टेड ऑफिसर्स किस स्टेट में सर्व करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, उन्हें कौन सा कैडर मिलेगा? अगर आपको नहीं मालूम तो हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। एक आईएएस को कौन सा कैडर मिलेगा, ये डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिसाइड करती है। एक आईपीएस को कौन सा कैडर मिलेगा, यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करती है। और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स को कौन सा कैडर मिलेगा, यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिसाइड करती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कैडर 5 जोन में डिवाइड किए हुए होते हैं। जोन 1 में एकमट यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज आती हैं, और जोन 1 में इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा आते हैं, और जोन 2 में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा आते हैं। इसी तरह जोन 3 में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और जोन 4 में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, और जोन 5 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु आते हैं। जब एक कैंडिडेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, तब मेंस देने से पहले उसे एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसे DAF कहते हैं यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उस टाइम कैंडिडेट को प्रेफरेंस देना पड़ता है कि अगर वो एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाता है तो वो किस कैडर में सर्व करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कैंडिडेट जोन 2 को प्रीफर करता है और उसने बिहार को पहला प्रेफरेंस दिया है एंड सेकंड प्रेफरेंस उत्तर प्रदेश को, फिर झारखंड और फिर उड़ीसा को, तब सिलेक्शन के बाद वो उन्हीं कैडर में सर्व करेगा। पर ज़रूरी नहीं कि हर एक कैंडिडेट जो प्रीफर करे उसे वही कैडर मिले। यह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे उसका रैंक क्या आया है, उस कैडर में वैकेंसीज कितनी है, और हर एक कैडर में एक रेशियो मेंटेन किया जाता है इनसाइडर और आउटसाइडर की। इनसाइडर उन्हें कहते हैं जिनके पेरेंट्स उन्हीं स्टेट में रहते हैं, और आउटसाइडर वो जो उस स्टेट के नहीं होते हैं। नॉर्मली इस कैडर के रेशियो 2:1 होते हैं, मतलब 2 आउटसाइडर एंड 1 इनसाइडर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 एस्पिरेंट्स हैं जिनमें एक की रैंक 10 और एक की रैंक है 20, और दोनों यूपी को फर्स्ट प्रीफरेंस देते हैं एंड बिहार को सेकंड प्रीफरेंस देते हैं, और वो दोनों यूपी के इनसाइडर हैं, पर अगर यूपी में सिर्फ एक ही वैकेंसी है इनसाइडर की, तो उसी कैंडिडेट को यूपी अलॉट की जाएगी जिसका रैंक ज़्यादा आया हो, यानी 10th रैंक वाले को यूपी कैडर मिलेगा। सभी ऑफिसर्स को कैडर तब अलॉट किया जाता है जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईएएस को सबसे पहले कैडर दिया जाता है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही एक आईएएस ऑफिसर्स को उसका कैडर मिल जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई कैंडिडेट कोई भी प्रेफरेंस ना ले कैडर सिलेक्शन में, तब क्या होगा? तब यह पूरी तरह गवर्नमेंट के हाथ में होगा कि वह उस कैंडिडेट को कौन सा कैडर दे। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा कि कैडर एलोकेशन कैसे होते हैं, कैडर कितने जोन्स में डिवाइड हैं।